माय नेम इज रंजना गुप्ता। आज के लेक्चर में हम टैली में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी वो डिस्कस करेंगे। टैली में ट्रांजैक्शंस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होती हैं और टैली में टोटल हमारे पास 8 अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जिनमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला वाउचर है हमारे पास पेमेंट वाउचर, सेकेंड वाउचर रिसिप्ट वाउचर, थर्ड जर्नल वाउचर, फोर्थ कॉन्ट्रा वाउचर, फिफ्थ सेल्स वाउचर, सिक्स परचेज वाउचर, सेवन्थ क्रेडिट नोट वाउचर और 8th वाउचर हमारे पास है डेबिट नोट वाउचर। इन सभी वाउचर्स में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से वाउचर में किस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला वाउचर है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में मनी आउट की सारी ट्रांजैक्शंस, जिन भी ट्रांजैक्शन में आप पैसे पे कर रहे हो, चाहे वो कैश पे कर रहे हो चाहे बैंक थ्रू पैसे पे कर रहे हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस पेमेंट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होंगी। जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, उसकी पेमेंट की है, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस, जिन भी ट्रांजैक्शन में आप पैसे जा रहे हैं आपके बिजनेस से, वो हम पेमेंट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड रिसिप्ट वाउचर, जैसे पेमेंट वाउचर में पैसे जा रहे थे, रिसिप्ट वाउचर में जब पैसे बिजनेस में आएंगे तो वो सारी ट्रांजैक्शंस हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट की हमने बिजनेस में, पैसा आया बिजनेस में, रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड। आपने रेंट रिसीव किया, फिक्स एसेट सेल करके पैसे रिसीव किए, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होंगे। थर्ड वाउचर है हमारे पास जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में वो सारी ट्रांजैक्शंस जिनमें ना तो मनी इन हो रही है ना मनी आउट हो रही है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम जर्नल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपने क्रेडिट पे फिक्स्ड एसेट परचेज किया या फिर क्रेडिट पे सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या फिर एक्सपेंस हुआ लेकिन उसके बदले हमने पैसे नहीं पे किए, इनकम अर्न कर ली लेकिन उसके बदले पैसे रिसीव नहीं किए, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम जर्नल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ वाउचर है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में जब भी मनी की फॉर्म चेंज होगी वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि एक तो पैसा हमारे बिजनेस में पड़ा होता है जिसको हम कैश बोल देते हैं, एक जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें पैसा पड़ा है उसको हम बैंक बोल देते हैं। जब आप बैंक से पैसे निकलवा कर अपने बिजनेस में रख लेते हो या फिर बिजनेस में जो पैसे पड़े हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, तो ऐसी जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। फिफ्थ हमारा वाउचर है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में सभी सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सारी सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होंगी। सिक्स्थ हमारा वाउचर है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में सारी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी। सेवन्थ वाउचर है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। लास्ट वाउचर है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब देखते हैं कि टैली में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। टैली में वाउचर्स रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर्स सिलेक्ट करके वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको सभी वाउचर्स की लिस्ट दी हुई है और साथ ही में उनकी शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई है। जैसे सबसे पहला वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के साथ F5 की लिखी हुई है, F5 की पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ से माउस से भी क्लिक कर सकते हो और F5 की भी प्रेस करके पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हो। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो मोड्स हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में क्या फ़र्क है वो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके ही समझेंगे। तो सबसे पहले डबल एंट्री मोड चूज़ करेंगे। डबल एंट्री मोड चूज़ करने के लिए राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल प्लस एच की भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर से डबल एंट्री चूज़ करके डबल एंट्री मोड चूज हो जाएगा। अब डबल एंट्री मोड में भी आप दो तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट यूज़ करके या फिर टू और बाय यूज़ करके, जो भी आपको इजी लगे। जैसे कि मेरे पास टू और बाय आ रहा है लेकिन मुझे डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना है, तो डेबिट और क्रेडिट चूज़ करने के लिए F12
कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के बाद सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर देंगे और फिर कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो टू बाय की जगह यहाँ पर मेरे पास डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे अपने रेंट पेमेंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन करके डेट चूज कर लेंगे जिस डेट की आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद डेबिट। पेमेंट वाउचर में हमने सबसे पहले डेबिट पूछा गया है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हम वो लेजर सिलेक्ट करेंगे जो भी लेजर जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है। अभी मुझे रेंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले मुझे डेबिट पूछा गया है तो पर्टिकुलर्स में रेंट का लेजर आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में रेंट का लेजर चूज करके डेबिट में जितना भी आपने रेंट पे किया है वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अभी ट्रांजेक्शन में हमें क्रेडिट करना है लेजर तो यहाँ पर हम क्रेडिट चूज करके एंटर प्रेस करके पर्टिकुलर्स में जो भी लेजर आप क्रेडिट कर रहे हो, अब क्रेडिट आपके पैसे का लेजर होगा, अगर आपने कैश पेमेंट की है तो कैश लेजर होगा, अगर आपने बैंक से पेमेंट की है तो बैंक का लेजर क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस भी मोड से आपने पेमेंट की है वो लेजर हम यहाँ से क्रेडिट करके अमाउंट आ जाएगी। फिर नरेशन में अगर आप ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई भी रिमार्क्स लिखना चाहते हो, जैसे कि अप्रैल मंथ रेंट में नरेशन लिख रही हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट यस करके हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। ये तो हमें डबल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, अब सिंगल एंट्री मोड समझते हैं। तो कंट्रोल एच प्रेस करके हम वाउचर का मोड चेंज कर देंगे डबल एंट्री से सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी, सिंगल एंट्री मोड में डेट, उसके बाद अकाउंट में जिस भी लेजर से हम पेमेंट कर रहे हैं वो लेजर हम अकाउंट में चूज करेंगे, मतलब कि जो भी लेजर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होगा वो लेजर यहाँ पर अकाउंट के कॉलम में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कैश पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंक पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैंने कैश से पेमेंट किया तो मैं कैश चूज कर रही हूँ। उसके बाद पर्टिकुलर्स में कैश आपने क्यों पे किया है, किस चीज़ के लिए पे किया है, वो लेजर जो ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा वो हम पर्टिकुलर्स के अंदर चूज कर लेंगे। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो पर्टिकुलर्स में सैलरी आ जाएगा, रेंट पे कर रहे हो तो रेंट, फर्नीचर के लिए पेमेंट की है तो फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट में जितनी भी आपने अमाउंट पे किया है वो अमाउंट लिख के नरेशन देन एक्सेप्ट यस करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। आज हमने पेमेंट के वाउचर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी वो डिस्कस किया है, बाकी जो आपके लेजर्स हैं उनमें भी सेम ऐसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। इसके रिलेटेड हमने एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में अटैच की है, आप उसको ट्राई करना और ये असाइनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही बाकी के जो हमारे वाउचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।